हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020। जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप सभी को पता होगा, यहाँ पे आपको लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज आपका थर्ड टेस्ट सीरीज है केमिस्ट्री का, जिसमें दोस्त यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उन 10ों क्वेश्चन का दोस्त आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्त जो आपको लगातार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और दोस्त आने की पूरी पूरी संभावनाएँ रहती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को दोस्त अपने टेस्ट सीरीज में लाते रहते हैं, जिससे दोस्त आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाती है। जिससे दोस्त अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आपका टफ पेपर भी आ जाता है, तो वहाँ पे दोस्त आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्त आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछेंगे। उन 10ों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जैसे ही दोस्त वीडियो आपका एंड हो जाए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपका खत्म हो जाए, 10 क्वेश्चन जैसे ही मैं यहाँ पे पूछ लूँ, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और हमें कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन को आपने यहाँ पे सही किया है। जिससे दोस्त आपको भी अंदाजा लग सके कि हमारी तैयारी जो है वो आपकी यहाँ पे किस तरह से चल रही है। तो चलते हैं अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्त बहुत ही ईजी यहाँ पे टेस्ट सीरीज को लाए हुए हैं। जैसा कि अभी आपको सभी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन को हमें कंप्लीट कराना है, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज का दोस्त आपका पहला टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। तो इसमें दोस्त ऑप्शन आपको चार मिलते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तो जल्दी से दोस्त चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला है परमाणु भार की वृद्धि क्रम में, दूसरा है परमाणु क्रमांक की वृद्धि क्रम में, तीसरा है अणुभार के वृद्धि क्रम में, और चौथा है वाष्प घनत्व की वृद्धि क्रम में। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके हमें बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बता दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपका जो तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। तो मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि जो आपका परमाणु जो तत्वों के रखने का क्रम है, वो आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्या है दोस्त, एटॉमिक नंबर के आधार पर जो आपका आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में तत्वों को रखा गया है। तो इसका दोस्त करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्त हमने जितने यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपका टेस्ट सीरीज में ले रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को मैंने पहले ही करा दिया है। अभी तक दोस्त आपने नहीं देखा है तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे दोस्त लिंक पे क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट में दोस्त आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों को वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। और एक एक प्लेलिस्ट में दोस्त आपका ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, लगभग 230 प्लस वीडियोज पड़े हुए हैं। तो एक एक वीडियो को दोस्त आप अच्छे से वॉच करिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दोस्त इसका करेक्ट आंसर बी था। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे बी आंसर को बताया, उनका बिल्कुल ही यहाँ पे सही आंसर है। तो चलते हैं टेस्ट सीरीज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो आज का दोस्त आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है, जिसमें दोस्त आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, लिथियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, LiFeAu सोडियम। चारों में से किसमें विद्युत ऋणी तत्व है, सबसे कम कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्त अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर हमें दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्या होगा दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा। सोडियम जो है दोस्त, इसमें से आपका सोडियम जो है वो आपका कम विद्युत ऋणी तत्व है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको पहले ऑप्शन को देखना है, इसमें ऑप्शन में आपको देख के समझना है कि इसमें से सबसे कम विद्युत
रीडी वाला तत्व कौन सा हो सकता है? तो इस ऑप्शन में देखने पे दोस्तों जो आपका सोडियम है वो आपका सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे डी आंसर को बताया है उनका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले यहाँ पे टेस्ट सीरीज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त टेस्ट सीरीज के तीसरा का क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन है? तो इसमें दोस्त ऑप्शन आपको चार मिलते हैं। पहला है आपका लिथियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है सोडियम Na। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आशा करते हैं दोस्त अभी तक आपने हमें कमेंट बॉक्स में आंसर को बता दिया होगा। तो यहाँ पे दोस्त इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, जो यहाँ पे लिथियम आपका है। लिथियम जो है दोस्त वो आपका क्या है, सबसे हल्की धातु है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर ए है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए आंसर को बताया उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारी है, जिसमें दोस्त आपको चार ऑप्शन है। पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है बेरिलियम और चौथा है मैग्नीशियम। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि इसमें सबसे कम क्षारी तत्व कौन सा है। तो दोस्त बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। यहाँ पे जो आपका बेरिलियम है वो आपका सबसे कम क्या है दोस्त, क्षारी है। जो आपका सबसे कम क्षारी तत्व है वो क्या है, बेरिलियम है। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका सी है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे करेक्ट आंसर सी को बताया है उनका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्त यहाँ पे इसके बारे में डिटेल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्त यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, सर डायरेक्ट आप लगातार क्वेश्चनों को यहाँ पे बताया करिए, बीच में जो ये बताते हैं कि इसके डिटेल के बारे में थोड़ा कम बताया करिए। तो इसलिए दोस्त मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ चलता रहा हूँ। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अपने टेस्ट सीरीज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे भारी है? तो इसमें दोस्त आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो आपका सबसे भारी है। तो इसमें दोस्त ऑप्शन आपको चार हैं। पहला है आपका सिल्वर, दूसरा है कॉपर, तीसरा है गोल्ड और चौथा है लेड। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा तत्व सबसे भारी है। तो जल्दी से दोस्त जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके हमको बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आपने यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया होगा। तो जो इसमें से दोस्त आपका सबसे भारी तत्व है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और लेड, इसमें जो आपका सबसे भारी तत्व है वो आपका क्या है, गोल्ड है। क्या है दोस्त, ये आपका गोल्ड है। गोल्ड दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सी दोस्त इसका राइट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सी बताया है उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्त लाइक करके और दोस्तों में आप शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुँच सके और वे भी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। अगर दोस्त आपने अभी तक क्लासेस को मिस कर दिया है तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें दोस्त वही क्वेश्चन को कराया जाता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं और दोस्त ऐसे ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्त टेस्ट सीरीज में हम वही क्वेश्चन को लाते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं दोस्त अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर, सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्व की, तो दोस्त यहाँ पे बात करते हैं बाएं से दाएं, ध्यान से समझिएगा, बाएं से दाएं से रिलेटेड मैं आपको सारा डिटेल इसमें बताऊंगा कि बाएं से दाएं बढ़ने पर
क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या घटता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो जल्दी से दोस्त आप ऑप्शन में यहाँ पे देखिए और कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ पे देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका राइट कमेंट यहाँ पे बताते हैं, राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके यहाँ पे बताते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ दोस्त कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि इसका राइट आंसर यहाँ पे जानते हैं। तो बोल रहा है दोस्त क्वेश्चन, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, तो इसमें क्या है दोस्त, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जाइए। यहाँ पे मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर इसके बारे में मैं डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आशा करते हैं दोस्त अभी तक आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आंसर को बता दिया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सी बताया है, सी बताया है धन विद्युती गुण घटता है, उनका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी दोस्त, इसका आंसर होगा। अगर मैं दोस्त यहाँ पे बाएं से दाएं की बात करूँ तो बाएं से दाएं जाने पर किसमें दोस्त, आवर्त सारणी में जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आप अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धन, जान लीजिएगा, तत्वों के धन विद्युतीय गुण घटेगा और धात्विक प्रकृति भी क्या होगी, घटेगी। धन विद्युतीय गुण और धात्विक प्रकृति दोनों घटेगी कब दोस्त, जब आप बाएं से दाएं बढ़ेंगे। अगर दोस्त यही बात करें बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों घटती है। क्या है दोस्त, बाएं, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या है, दोनों यहाँ पे घटती है। अगर दोस्त बात करें यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर, तो जो आपका ऑक्साइड का अम्लीय गुण, ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है और क्या होता है, क्षारीय गुण कम होता है। क्या होता है दोस्त, अम्लीय गुण बढ़ेगा और क्षारीय गुण कम होगा, किसका, ऑक्साइड का, अगर यहाँ पे बाएं से दाएं जाएंगे तो। और दोस्त बात करते हैं यहाँ पे आयनन विभव की, तो बाएं से दाएं जाने पर जो आपकी आयनन विभव होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो जितने पॉइंट बताएं वो सब पॉइंट याद रखिएगा, इसमें से भी आपका क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम 2020 में बन सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने आपको पॉइंट बता रहे हैं सभी आप पॉइंट नोट करिएगा, जिससे दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी है, जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे सी आंसर को बताया है, धन विद्युतीय गुण घटता है, उनका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं यहाँ पे अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कृत्रिम गोल्ड अर्थात रोल्ड गोल्ड क्या होता है। तो इसमें दोस्त ऑप्शन आपको चार हैं, पहला है फास्फर ब्रांज, दूसरा है एल्युमिनियम ब्रांज, तीसरा है जर्मन सिल्वर, चौथा है मानल धातु। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि रोल गोल्ड क्या है। तो आशा करते हैं दोस्त अभी तक आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बता दिया है। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, एल्युमिनियम ब्रांज इसका आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी आंसर बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जो आपका कृत्रिम गोल्ड अर्थात रोल गोल्ड होता है वो आपका एल्युमिनियम ब्रांज होता है। क्या होता है दोस्त, एल्युमिनियम ब्रांज होता है, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। चलते हैं दोस्त अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि वह मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ। इसमें दोस्त आपको चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, पहला है पीतल, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा, चौथा सिल्वर। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने राइट बताया होगा, बिल्कुल ही सही बताया होगा। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी है, तामा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, जो सर्वप्रथम धातु, मनुष्य को जो सर्वप्रथम जिस धातु का ज्ञान हुआ, कौन सी धातु थी दोस्त, वो आपका तामा था।
क्या था दोस्त? तामा था। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी है। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे बी बताया है उनको बताना चाहेंगे आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्त आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको पॉलिटेक्निक 2020 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और बिहार पॉलिटेक्निक के, ध्यान से समझिएगा, बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए दोस्त आप क्या करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उनके लिए दोस्त हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार को आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, वो चाहे दोस्त यूपी पॉलिटेक्निक का हो स्टूडेंट, वो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक कहीं के भी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो, तो वो आपको कमेंट करके हमसे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे दोस्त इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी है, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे बी बताया उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एंटी मनी है, तो इसमें दोस्त आपको बताना है कि एंटी मनी है तो एंटी मनी क्या है। दोस्त ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 मिलते हैं। पहला है दोस्त आपका धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु और चौथा है दोस्त मिश्र धातु। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि एंटी मनी क्या है। जल्दी से दोस्त कमेंट करके हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर बताया होगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। जो आपका एंटी मनी है दोस्त वो आपका क्या है यहाँ पे, उपधातु है। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट आंसर सी को बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यहाँ पे सी दोस्त इसका आंसर है। चलते हैं दोस्त अपने टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जितने आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्त आपको लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में मिश्र धातु है, जिसमें दोस्त आपको 4 ऑप्शन है। पहला है आर्सेनिक, दूसरा है पीतल, तीसरा है एंटीमनी और चौथा है टिन। तो जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि इसमें से जो आपका मिश्र धातु है वो क्या है। तो दोस्त आशा करते हैं आप सभी लोगों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बता दिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। जो आपका पीतल है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका पीतल है, पीतल वो क्या है दोस्त, यहाँ पे मिश्र धातु है। क्या है दोस्त? पीतल जो है दोस्त आपका मिश्र धातु है। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को बताया उनका दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है टेस्ट सीरीज का। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपने 10 में से कितने क्वेश्चन को सही किए, तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमके बताइए कि आपको यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। और दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास पहुँच सके और वे भी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। जय हिंद।